वेलकम टू सिटी ऑफ रॉकेट्स, वेलकम टू समारा। गासिया के जो सबसे ज्यादा जो रॉकेट्स है वो यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं। बड़ी रिवर है ना, इसलिए पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, तो इन चीजों से अट्रैक्ट मत होना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज एक्सप्लोर रशिया विद डॉक्टर स्क्वेरी। और हम अभी यहाँ से जा रहे हैं समारा। मेरे पीछे देख सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई इंफॉर्मेटिव व्लॉग नहीं है, अभी ये जस्ट रैंडम व्लॉग है, क्योंकि मेरा मानना है कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत एंटरटेन होना भी जरूरी है। तो हम चलो दिखाते हैं आपको रशिया में कैसे कैसी जगह है, कैसा आपको दिखता है। यहाँ से हम जाएंगे अभी समारा, आज रात को हम समारा पहुँचेंगे। वहाँ पर फिर हम उसके बाद समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। और समारा जो सिटी है उसमें भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो लेट्स गो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं समारा और अभी हम खड़े हैं यहाँ पे ग्लोरी स्टैचू के सामने। और यहाँ से मेरे आप पीछे उधर देख रहे हैं तो उधर है रिवर वोल्गा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हम ऑलमोस्ट जब हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हम उफा से बहुत पहले थे, काफ़ी पहले थे, वो ओम्स और उफा के बीच में थे, रास्ते में कहीं थे। वहाँ से अभी यहाँ पे आ गए हैं, 1000 किलोमीटर कम से कम वहाँ से समारा था। तो अभी हम रात को यहाँ समारा पहुँचे थे। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो ठंड थी, टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम था, ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे थोड़ा ठंड ठीक है, नॉर्मल है, कोई इतनी ठंड नहीं है। यहाँ पे आराम से बाहर खड़ा होके टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो चलो आपको दिखाते हैं ऊपर से व्यू। स्नो गिरी हुई है बट इतनी ठंड नहीं है जितनी वहाँ साइबेरियन रीजन में थी, ओम्स्क वगैरह में थी। ठंड वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही थी, उफा में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे ठंड थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये आप देख रहे हैं वहाँ पे ये चर्च है और यहाँ से आप देख सकते हैं रिवर का व्यू। समर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आता होगा ये, क्योंकि अभी तो ठंड है, कोई घूम भी नहीं रहा है, देखने का भी इतना मज़ा नहीं है क्योंकि बाहर ठंड में इतना लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। बट समर में काफ़ी अच्छा व्यू आता होगा, यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करते होंगे लोग। और मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पे एक बीच भी है कि भाई जो रिवर है ना, वैसे हर जगह समुद्र तो होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ रशिया में क्या होता है, जैसे मॉस्को में है, सेंट पीटर्सबर्ग में है, जहाँ पे समुद्र नहीं है ना वहाँ पे रिवर्स हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, तो उन रिवर्स पे ही एक बीच बना देते हैं ये। तो अभी वहाँ पे चलते हैं हम। ये है म्यूज़ियम ऑफ रॉकेट्स। ये इस सिटी के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री मैं अगर आपको बताऊं तो ये इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे रशिया के जो सबसे ज़्यादा जो रॉकेट्स है वो यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं। और आप ये मेरे पीछे म्यूज़ियम देख भी सकते हैं, ये इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। और इसका थोड़ा बहुत और अगर हम हिस्ट्री में जाएँ कि जैसे चाँद पर कौन जाते हैं, मून पर कौन जाते हैं, उसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे, बट जो स्पेस में सबसे पहले कौन गया था, हु वॉज द फर्स्ट मैन हु वेंट टू स्पेस, तो उनका नाम है यूरी गगारिन। तो वो रशियन कॉस्मोनॉट हैं और वो समारा सिटी से ही बिलोंग करते थे और वो सबसे पहले जो है उन्होंने ही स्पेस पे वो गए थे। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बीच पे, जो समुद्र पे बीचेस होते हैं, सी बीचेस तो मैंने काफ़ी देखे हैं अपना, यहाँ रशिया में भी देखे हैं, पहली बार मैं देखने जा रहा हूँ रिवर बीच कैसा होता है। सो गाइस ये है बीच यहाँ पे, और मतलब देखने में तो ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे समुद्र पे होता वैसे ही सैंड बीच है यहाँ पे भी। Yes.
तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा चीज़ें ये मेरे को पसंद आई। यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, सिटी में और बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी। यहाँ पे भी लोग अगर इवनिंग वॉक वगैरह पे आना चाहें, मॉर्निंग वॉक पे आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स घूमने फिरने के लिए। और गर्मियों में तो काफ़ी बहुत ही प्यारा लगता होगा यहाँ पे घूमना, बहुत ही अच्छा लगता होगा यहाँ पे घूमने, बहुत मज़ा आता होगा। और मैं जानता हूँ कि आपको भी ये चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही होंगी, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहीं पर एडमिशन ले लें, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपेयर करने होते हैं। क्योंकि ब्यूटीफुल सिटी होना या फिर कुछ चीज़ें वहाँ पे जहाँ पे हम आराम से अच्छे से घूम सके, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं जाओ। क्योंकि आप आपका जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे आने का ये होगा कि पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, तो इन चीज़ों से अट्रैक्ट मत होना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंपेयर करके देखनी चाहिए। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने कंपेयर किया हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने बताया हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर किया हुआ है। अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियोज़ देखेंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी सिटी अच्छी है। क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे हम सारी चीज़ें कंपेयर करके आपको बता रहे हैं, सिटी भी कंपेयर कर रहे हैं, साथ में वहाँ पे जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी क्या है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करवा रहे हैं आपको। तो उसी आप हमारी प्रीवियस जो भी वीडियोज़ अभी तक आई हैं और जो आने वाली हैं उनको एक बार कम्प्लीटली अच्छे से देखना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कहाँ जाना है, कैसी सिटी में जाना है, कैसी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। उससे आपको एक क्लियर सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा। हमारी जो ये सीरीज चल रही है एक्सप्लोर रशिया विद डॉक्टर्स क्यूरी, इसका मेन मोटिव ही ये है कि हम जो रशिया की हर एक यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में हम जा रहे हैं, अराउंड 30-35 यूनिवर्सिटीज़ हमने लिस्टिंग की है, और भी जो स्टूडेंट्स हमें कमेंट्स में बता रहे हैं उनमें भी हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम जाके देख रहे हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको कुछ भी कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ ही उनको यहाँ से बताई जाती हैं कि इनको प्रमोट कीजिए, वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी में वीडियो जाके बना रहे हैं, ताकि एक ग्राउंड रियलिटी आपके सामने हो, एक ग्राउंड रियलिटी आपको पता चले, और कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है कौन सी नहीं है वो आप आराम से डिसाइड कर सको, ना कि कोई कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करे। इसलिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ। इस वीडियो के बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है सामारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो इसी सिटी में है। तो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसी वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सामारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो प्रॉपर वीडियो होगी उसी में आपको मिलेगी। बाकी ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लोर करवाता रहूँगा रशिया की जो अच्छी अच्छी जगह हैं, जो देखने लायक है, घूमने लायक है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लोर करवाता रहूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके पास हर एक वीडियो आए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। एंड हमने एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया, और एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया, ताकि डे टू डे आपको अपडेट उसमें मिलती रहे, और आगे जो अपकमिंग वीडियोज होंगी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा आपको, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, और कोई भी यूनिवर्सिटी आप मिस ना करें, और रशिया की जो भी सिटीज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो कोई भी सिटी आप मिस ना करें। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।